नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से। आज थोड़ा सा समय मिला तो सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के बीच में। आज हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक बैलेंस एक्ट से कैसे बचा जाए, जो आपके ऊपर सेक्शन 12 के तहत में, डोमेस्टिक बैलेंस एक्ट 2005 के तहत में जो आपके ऊपर मुकदमा दाखिल किया जाता है, उसमें आपको कैसे बचना है, कैसे अपना बचाव करना है, उसी के संबंध में हम आज बात करेंगे। और अपनी बात करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारे जो वीडियो आपके पास आएंगे उनके नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे और जो ज़रूरी वीडियो होंगे वो आपसे छूट जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारे हर वीडियो पर अपनी नज़र रखें, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा वीडियो जो आपकी मदद कर सकता है। और मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं लोगों की कॉल नहीं उठा पाता ज़्यादा, तो इसलिए मास मैसेज में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सेक्शन 12 के तहत में जो मुकदमा दाखिल किया जाता है उसमें हमें कैसे बचाव करना है और किस तरीके से हमें अपनी बात रखनी है और कैसे खारिज कराना है। तो वीडियो हमारा अंत तक ज़रूर देखें ताकि कि आपको फ़ायदा मिले। और हम अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारी मदद की आपको ज़रूरत हो सकती है तो आप सशुल्क हमारे नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है 7906300632 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि महिला जब भी सेक्शन 12 के तहत में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के तहत में मुकदमा दाखिल कोर्ट में करती है तो कोर्ट की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कि वो DPO रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर से, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला संरक्षण अधिकारी से उसकी रिपोर्ट तलब करे जिस जिले में वो मुकदमा दाखिल किया गया है। प्रोसीजर ये रहता है कि महिला को पहले DPO के पास में, जो DPO होता है, एक नियुक्त किया जाता है ज़िले में जो DM के अधीन में काम करते हैं, तो उनके पास में शिकायत देनी होती है। लेकिन महिला क्या करती है कि वहाँ पे शिकायत ना देके वो डायरेक्ट कोर्ट में मुकदमा दाखिल करती है। तो यहाँ पे कोर्ट की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो DPO रिपोर्ट को तलब करे। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को यही पता नहीं है कि DPO रिपोर्ट को हमें कैसे चैलेंज करना है। और जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर शीट पे जब ऑर्डर करते हैं कि DPO रिपोर्ट तलब की जाए और उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही, जहाँ तक प्रोसीजर है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 के तहत में कि प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाए, तो आपने देखा होगा कि एक, आप अपनी फाइल में कभी भी देखना, आपके जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है उसमें एक फॉर्मेट लगा होगा, एक DPO रिपोर्ट लगी होगी, वो चाहे महिला हेल्पलाइन की हो या DPO की होगी, DPO की ही रिपोर्ट होगी वो। आप उसमें देखना, एक फॉर्मेट जैसा होता है, वो फॉर्मेट पूरा का पूरा भरा होता है, उसी के आधार पर पूरा मुकदमा चलता है। जबकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कुछ DPO के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं, कुछ सेक्शंस उसमें हैं जिसमें कि उसकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, उसको उन जिम्मेदारियों का बाकायदा पालन करना होता है, उसके बाद में वो रिपोर्ट कोर्ट में देनी होती है, कोर्ट उस पर कॉन्वीनियंस लेता है, तब प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश कर सकता है। आपको कैसे चैलेंज करना है, आपको कैसे बचना है, तो सबसे पहले आप जब अपने एडवोकेट से आप बात करते हैं तो एडवोकेट साहब कहते हैं नहीं, वो DPO रिपोर्ट ऐसी कुछ नहीं होती है, वो कोई मायने नहीं रखते। नहीं, अगर सेक्शन 12 के तहत में अगर मुकदमा दाखिल किया गया है तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में साफ तरीके से लिखा गया है कि DPO रिपोर्ट जो है उसको कॉन्वीनियंस लेंगे और उसी के तहत में जितने भी एक्स पार्टी आदेश है सारे आदेश कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, को उसी रिपोर्ट के आधार पर आपके ऊपर पूरा मुकदमा चलता है। तो अगर आपकी फाइल डोमेस्टिक वायलेंस की चल रही है तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्डर शीट निकालिए और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, उसको हम लोग डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जो DPO तैयार करके माननीय न्यायालय में भेजता है, तो उस रिपोर्ट को आप निकालिए और उस रिपोर्ट को निकालने के बाद में उसको चैलेंज करिए। कैसे चैलेंज करेंगे ये हम आपको बताएंगे, अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे। और इसी के आधार पर सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 22, सेक्शन 23 जितने भी आदेश हैं वो सारे आदेश होते हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट इसी रिपोर्ट को कॉन्वीनियंस लेके पूरा मुकदमा चलाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। और मैं दूसरी चीज़ में आपको बता दूं कि
काफ़ी लोगों से मैंने देखा, एक मेरा आदेश भी हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस में, उसमें माननीय न्यायालय ने ये लिख दिया था कि ये जो सिविल प्रोसीजर है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, ये सिविल केस है। तो हमने उसको चैलेंज किया डोमेस्टिक वायलेंस 28 के तहत, में कहा गया है कि सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 के तहत में जो भी प्रक्रियाएं होंगी, जो भी कार्रवाई होगी, वो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ही होगी। तो हमने इसको चैलेंज किया था, और अपने माननीय न्यायालय में हमने इसको चैलेंज किया और इस बात को अपने आप बखूबी अपना रखा। तो आपको मैं सबसे पहले इस चीज़ से निकालना चाहता हूँ कि ये सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, और ये दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के अधीन चलता है, और इस पर कार्रवाई तब होती है IPC के तहत में। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर चार्ज बांधे, तब जब आप किसी आदेश का वायलेशन कर रहे हो तो मजिस्ट्रेट स्वतः उस पर चार्ज बांध सकते हैं। तो आपको इस केस से कैसे बचना है, डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे बचना है, सबसे पहले जो हमारी जड़ होती है, मैं उस जड़ को पकड़ना है। जड़ हमारी क्या है? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होगा, लोगों के मुकदमे चल जाते हैं, घर में रहने का आदेश हो जाता है, बहुत सारे आदेश हो जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता है, और वकील लोग भी नहीं बताते हैं। काफ़ी सारे मेरे वकीलों से बातचीत हुई, उनको भी पता नहीं है कि ये डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को हमें चैलेंज करना चाहिए, और वो क्यों बताएंगे, वो क्यों बताएंगे। उनका तो जितना लंबा केस चलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उनका तो एक पेंशन की तरह बंध जाता है। अगर किसी भी आदेश में अगर 3,000 रुपये भी अगर बांध दिए गए, तो 500 रुपये भी उनके पास में जा रहे हो, 10 क्लाइंट हैं, तो जाहिर सी बात उनका तो पेंशन आजीवन हो गया। तो इसलिए अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना है, और ज़रूरी है कि आप अपने केस को अच्छी तरीके से डिफेंड करें, अपनी फाइल को देखें। आप देखना आपकी जो फाइल होगी डोमेस्टिक वायलेंस की, जो सेक्शन 12 के तहत में जो मुकदमा दाखिल किया गया होगा, उसमें मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर शीट में एक तरफ DPO रिपोर्ट तलब करने के लिए, जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है उसको तलब करने के लिए आदेश किया होगा, और दूसरी तरफ प्रतिवादियों को। अगर ऐसा किया गया है, दोनों दोनों चीज़ें, दोनों आदेश एक ही टाइम पे अगर किए गए हैं कि एक तरफ DPO रिपोर्ट तलब हो और दूसरी तरफ प्रतिवादियों को नोटिस, यानी कि रिस्पोंडेंट को नोटिस दिए जाएँ, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट हो जाती है कार्रवाई, और आप उस पर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, और किस तरीके से अपने केस को डिफेंड करना है। और घरेलू हिंसा का जो केस है, दो तरीके की वॉयलेंस हो सकती है, एक फिजिकल वॉयलेंस और एक मेंटल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस को तो आप साबित कर सकते हैं, लेकिन मेंटल वायलेंस है उसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है उसको बहुत अच्छी तरीके से लड़िए, और ये जो दिमाग में जो गलत धारणा अगर आपके डाली गई है कि नहीं ये सिविल प्रोसीजर पर चलती है, तो ये CPC के तहत में नहीं चलती है, CRPC के तहत में चलती है, जिसका वर्णन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 28 में साफ तरीके से कहा गया है। हमारे वीडियो को देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संपर्क में रहें, और कोशिश करेंगे माता रानी की कृपा से कि आपको बचाया जाए, आपके परिवार को बचाया जाए, और आपकी मदद की जाए। धन्यवाद।